हम छुपा लेते हैं, हम मैं तो हाथ और पूरी फौज आ रही है। हम लोग बंदरों से डर के भाग रहे हैं, उतर रहे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं काना ताल के लिए। काना गाइस, हम लोग रॉक रिजॉर्ट की तरफ वापस आ गए हैं। तो जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि हम लोग धनौल्टी में रुके हुए हैं और यहाँ पर कल हम लोग गए थे इको पार्क। इको पार्क से हम लौट कर आ गए हैं, अभी हो रही है शाम। तो ये क्रिसमस की इवनिंग का व्लॉग है। कशिश ने प्रेशियस मैगी नीचे गिरा दी खोलते वक्त। नहीं, इतना भी कुछ गिरा नहीं, थोड़ा गिरा। यहीं से डाल लो। नहीं, नहीं, तो यहाँ पे इंस्टेंट कप नूडल्स बन रही हैं। बाहर बनाएंगे तो चलो। नहीं, इसको नहीं खोलना होता, इसको ढक के रखना होता है। हाँ, ये क्या कर दिया तुमने? कितना डालना होता बेटा? अभी जब तक दिखे रहा। काफी अच्छी लगती है कप नूडल्स। इसको तब पकड़ के रखना, ठंडी में तो किसको पसंद नहीं होती। ठीक है, अभी दो मिनट रुकना, बैठ जाओ। ओए मंकी आया, आया रे आया। हम बस कुछ नहीं, वो कुछ लेके नहीं जा सकते, इसमें हमारे हाथ है। बंदर उधर आया और मैं भागूंगा। तुम भागोगे, ये तुम तारे पीछे भागेगा। आ रहा है, आया रे आया। मैं तो देख रहा है, भाग सकते कि क्या मिलने वाला है। हम छुपा लेते हैं, हम मैं तो हाथ पे, और पूरी फौज आ रही है। आई रे आई, आई रे आई। मैंने मना किया था, अब हम लोग बंदरों से डर के भाग रहे हैं। उतर रहे, आओ। क्या अब हम लोग भाग रहे हैं, ये बंदरों से भागते हुए लोग। हम रिसेप्शन की तरफ भाग रहे हैं बंदरों से डर के। लिटरली आ गए। हाथ से ना चीलने। उधर जग रखा है तुम्हारा, देखो बंदर तो नहीं लेके जाएगा। अच्छा मालूम है ना, अच्छा। क्या बात है, अब उनको ड्रॉप हो जाएगी हमारे पास। हाँ, तुम्हारे से जान पहचान है ना तुम्हारी। तो फिर आएंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम घर में ही खाएंगे, कमरे में ही खाते हैं यार, खाना देख के आएंगे वो। और ये बंदरों से डर के भागते हुए अंदर आ रहे। नूडल्स इतनी बढ़िया हैं कि ना उनको खुशबू यहाँ तक आ गई। जैसे ही पैक खोला, इतने पूरा ग्रुप ऑफ बंदर आ गया। और हम लोग सोचते थे कोई प्लेजेंट वेदर में खाएंगे, और बंदर सारे सारे बंदर आ गए। और अभी भी अंदर हमारे डोर के बाहर ही बैठे हुए हैं। खुशबू देखिए, ये देखो बैठे हैं, देखिए नूडल्स बन रही है मेरी। और तीन तीन चार चार हमारी नूडल देख के आ गए। हाँ देखो, यहीं पर बैठे हुए हैं। ये बंदर जरूर ना हमारा खाना लेके जाएगा। प्रशांत, मैगी एंजॉय की जा रही है अंदर बंदर से डर के। बंदरों ने बहुत डराया सच्ची में। बंदर ने तुम्हें अंदर कर दिया। हाँ, यही हुआ। बंदर ने किया अंदर। वाह, नूडल्स। आज तो ऐसे अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा पानी। ऐसा लग रहा होगा ना फ्रीजर में से निकाला है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं काना ताल के लिए। काना ताल यहाँ पर एक छोटा सा विलेज है, तो देखकर आते हैं। जब यहाँ पर ठहरे हुए हैं तो रूम में भी क्या करेंगे, इसमें है कुछ अच्छा सा व्यू मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए चलते हैं।
स्टेशन नहीं है धनौल्टी, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही क्लीन और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पर ले आपको फैसिलिटीज़ इतनी सारी ना मिल पाए, लेकिन वहाँ पर जो नेचर होती है वो प्योर नेचर के जो मज़े होते हैं वो आप वहाँ पर ले सकते हो। तो काफ़ी क्लीन एयर थी वहाँ की और बहुत ही खूबसूरत व्यू था दोनों तरफ। और एक चीज़ के लिए फेमस है धनौल्टी, यहाँ की जो स्नोफॉल है वो बहुत प्यारी होती है, मसूरी से पहले स्नोफॉल धनौल्टी में गिरती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। आज एक्चुअली में 25 दिसंबर है तो आज कोई भी गाड़ी नहीं है अवेलेबल है सफारी के लिए, जंगल सफारी, बैड लक, तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, एक्चुअली गए थे हम लोग जंगल सफारी के लिए लेकिन हमारी प्री बुकिंग नहीं थी और आज है क्रिसमस तो अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी जो गाड़ियां थी, वैसे भी ज़्यादा गाड़ियां नहीं है यहाँ से जाती हैं, 7 से 8 गाड़ियां थी वो बुकड थी ऑलरेडी। तो वो बोले थे या तो आप कल कर लेना, तो कल का पता नहीं है कर पाएंगे या नहीं क्योंकि कल हम कहीं और निकलने वाले हैं यहाँ से, और कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। कहावत तो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, पर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं यहाँ पर। हाँ यहाँ तो नहीं आएंगे, हम हमेशा जगह चेंज करते हैं, हमेशा हमने जो जगह देखी नहीं होती हम वही जगह एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, तो सेम प्लेस तो हम बहुत ही रेयर ही होता है जो हम जाते हैं। बहुत बढ़िया है, हम लोग आपको और भी जगह घुमाने लेके चलेंगे। बस आप लोग इंडियन मॉम स्टूडियो के साथ इसी तरीके से जुड़े रहना और ऐसे ही होने वाली और ऐसे ही प्यार देते रहना, तो मैं आप लोगों को फ्यूचर में और अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स दूंगी। कशिश कुछ खाना है, लंच भी नहीं किया आज तो हम लोगों ने, इसको ठंड बर्दाश्त नहीं है एक्चुअली, सुनो क्या खाओगे, पनीर पकौड़ा, एग पकौड़ा, मिक्स वेज पकौड़ा, चीज फिंगर्स, नहीं मुझे प्याज पकौड़ा, तो मिक्स वेज पकौड़ा मंगा लो ना, मिक्स वेज पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज मंगा लो, वेज कटलेट, वेज रोल, चिकन रोल, चीज फिंगर्स, मिक्स वेज पकौड़ा, एग पकौड़ा, दूसरे लोगों पे ट्राई कर, मिक्स वेज कचौड़ा, कचौड़ा क्या होता है, पकौड़ी और कचौड़ी का मिक्स वेक्स कचौड़ा कभी मैं बनाती हूँ ये चीज, तो उसमें ना तुम उस स्टाइल में कचौड़ी को ना पकौड़ी इस तरह मैं तुम्हें ही लेकर आऊंगी किचन में, तुम ही बना देना। तो दोस्तों मैंने तो आज लंच भी नहीं किया और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैंने जैकेट वैकेट उतार ली, मुझे तो ठंड लग रही है, नहीं गर्मी लग रही है, तो मैंने लंच नहीं किया है, मैंने लंच नहीं किया है, इन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। बहुत लोगों को शिकायत है कि कशिश को इतनी ज्यादा ठंड लगती है और प्रशांत जी को एकदम गर्मी लगती है, तुम्हें सच में बहुत गर्मी लगती है, मुझे नहीं लग रही है, कह लो मोटी खा ले, एंजॉय कर रहे हैं वेज पकौड़ा, तो इनको देख के सुबह जब हम चाय पीने चले तो हमारे टाइम पे इतने सारे बंदर आ गए और अब एक भी बंदर नहीं है, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम बाहर जाते तभी बंदर आते, वैसे बंदर नहीं है, वैसे बंदर पता नहीं कहाँ छिप गए, मिलती होगी ना तुम बंदर से, बंदरों से मेरी दोस्ती है खासा, अगर दोस्ती है तो फिर मुझे अंदर क्यों ले आते हो तुम खींच के, फिर मुझे बाहर ही रहने दिया करो, मैं दोस्ती ही नहीं भालूंगी उनके साथ, कहीं किसी दोस्त को पसंद आ गई उसने तुम्हें ले जाके कहीं शादी वादी कर ली तो हमारे, अरे मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं उसे बोल दूंगी और मैं एक इंसान को झेल चुकी हूँ, अब मैं दूसरा कोई और जानवर झेल नहीं सकती। हाँ वैसे इंसान भी एक जानवर होता है। थोड़ी सी ठंड लग रही थी मेरे को तो मैंने कैप लगा ली है और अभी ना सनसेट होने वाला है। Was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. Garma,
गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, मजा आ गया। ये तो है प्रशांत, वहाँ पे गुलेल लेके इस बार हमने तैनात किया हुआ है गुलेल लेके। एक बार चाय भी कर लो। चाय ये तो पहले पकौड़े टेस्ट करूंगी। कैसे हैं? बहुत अच्छी है। मैं भी लूं? हाथ सैनिटाइज देना। देखो, we were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now, don't wanna be shy, I will let my guard down, don't want... मुझे पर्सनली धनौल्टी की शाम बहुत प्यारी लगी। इतना प्यारा सनसेट आप धनौल्टी में देख सकते हो, पहाड़ों के बीच में सनसेट होते हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। और शाम का टाइम था, गर्मा गर्म चाय थी, गर्म गर्म पकौड़े थे, इतना प्यारा सनसेट हो रहा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा व्यू था सामने। तो चाय पीने का जो मज़ा था वो दुगना हो चुका था। बहुत पकौड़े, बस पकौड़े ही अच्छा लगता। एग्जैक्टली, पीछे सनसेट हो रहा है, हम पकौड़े इस खाने। Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. Keeping people pleased, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go. तो शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी, तो प्रशांत ने बोला था हम लोग आज बॉन फायर करेंगे, क्रिसमस भी है, तो हम लोगों का क्रिसमस कुछ इस तरीके से जा रहा है। और भी फैमिलीज यहाँ पर रुकी हुई हैं, उन लोगों ने भी बॉनफायर करवाया था, बॉनफायर के मजे लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम थोड़े से गरम हो जाए, गरम गरम और नरम नरम। यहीं पर सोच रहे हैं हम लोग खाना भी मंगवा लेते, यहीं पर ही खाएंगे, जिससे कि मजा आएगा ठंडी में। यस, होटल वाले बोल रहे थे कि पहले हम बॉनफायर जो है सबके साथ करते थे, एक ही बॉनफायर लगा देते थे और बाकी सभी लोग एंजॉय कर लेते थे, लेकिन जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग सबके लिए इन लोगों ने इंडिविजुअल बॉनफायर करी थी, तो जो भी फैमिली कराना चाहती है वो पे करके करा सकती है। Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Make it... और हमने सिंपल चीजें मंगाई हैं, दाल मखनी और सिर्फ रोटी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पनीर खा चुके हैं, कल खाया था। और बॉनफायर और दाल मखनी और तंदूरी रोटी with some juice. आ जाओ खाना खा लो, आपका भी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने सिंपल सा कॉटन का नाइट सूट पहन लिया, मुझे ठंड नहीं लग रही है क्या, इसके नीचे मैंने वार्मर और एक स्वेटर ऑलरेडी डाला हुआ है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी फूली फूली सी भी लग रही होंगी। काफी सारे कपड़े मैंने इसके नीचे पहने हुए हैं, देन नाइट सूट पहना है। Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. ओके दोस्तों, तो यही था हमारा क्रिसमस का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और हम मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, क्योंकि कल हमारे कुछ अलग प्लान हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइस। I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree.
And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing.